ये मोल फ्रैक्शन के नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का तभी पता कर सकते हैं जब हमें क्या पता हो, कंपोनेंट के मोल्स पता हो, और प्रत्येक कंपोनेंट का मोल पता करें और फिर उन मोल्स के द्वारा सॉल्यूशन में हम इनका फ्रैक्शन पता करें। तो जो भी फ्रैक्शन आएगा वो वैल्यू फ्रैक्शनल होगी, क्योंकि इसका नाम ये फ्रैक्शन। तो प्रत्येक कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो फ्रैक्शनल होगा, और फ्रैक्शनल का मतलब यहाँ पर लेस देन वन। हम मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। सपोज किसी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का नाम ए है और एक कंपोनेंट का नाम बी है, तो ए के मोल फ्रैक्शन को एक्स ए से डिनोट करें और बी के मोल फ्रैक्शन को एक्स बी से डिनोट करें। और हमने ये पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू फ्रैक्शनल होती है, तो ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो फ्रैक्शनल होगा लेस देन वन, और यदि वन से कम है 0.80 मान लेते हैं इसकी वैल्यू है, तो 1 से कम ये है तो टोटल 1 होना चाहिए और इसका आंसर कितना होगा 0.20, क्योंकि फ्रैक्शन 1 का होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सॉल्यूशन के टोटल मोल्स में से किसी कंपोनेंट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं मोलों की उस संख्या को उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहते हैं। कि मोल फ्रैक्शन हम पता करना चाहते हैं तभी पता कर सकते हैं जब हमें क्या मालूम हो, मोल मालूम। एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट का नेम है ए और दूसरे कंपोनेंट का नेम है बी, तो हमें ए के भी मोल पता होना चाहिए और बी के भी मोल पता होना चाहिए। यदि हम ए के मोल्स को पहले हम ये समझ लेते हैं, मोल्स इक्वल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। जिस कंपोनेंट का आप मास रखेंगे उसी का मोलर मास रखेंगे। अब मान लेते हैं ए कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट के मोल्स को हमने Na से रिप्रेजेंट किया और बी कंपोनेंट के मोल्स को Nb से रिप्रेजेंट किया। ए के मोल्स पता करना है तो ये मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए। बी के मोल पता करना है तो मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द बी। हमने यहां पर ए कंपोनेंट का Na और बी कंपोनेंट का Nb मोल रख दिया। अब हमें पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हमने यदि ऐसा लिख दिया है तो इसका अर्थ हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता कर रहे हैं उसके मोल्स ऑफ न्यूमरेटर में रखिए और डीन्यूमरेटर में टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट का नाम ए और दूसरे कंपोनेंट का नाम बी, तो टोटल मोल्स यदि रखेंगे तो मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ये टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन हो गए। ठीक इसी तरह यदि हम बी के मोल फ्रैक्शन पता करना चाहते हैं तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन विच आर इक्वल टू द एन ए प्लस एन बी। ये आपने यहाँ पर एक्स ए और एक्स बी पता किया। एक बात और है, जब हमने यहाँ पर बताया कि एक एक्स ए की वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी मीन्स वन से कम, एक्स बी की वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी वन से कम, लेकिन यदि सभी मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दिया जाए सॉल्यूशन में, चाहे जितने कंपोनेंट हो 1, 2, 3, 4 जितने भी कंपोनेंट हो, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को यदि ऐड कर दिया जाए तो टोटल मोल फ्रैक्शन आएगा 1 के इक्वल होता है। ये कैसे, हम यहां रखेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल, एक्स ए की वैल्यू आप यही रखें एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, प्लस एक्स बी की वैल्यू रखेंगे तो एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी,
और जब आप यहां पर आंसर लेंगे तो ये आप इसे एलसीएम ले लिया तो ये बन गया Na plus Nb. Na plus Nb से इसको डिवाइड करेंगे ये बचेगा Na plus Na plus Nb से इसे डिवाइड करेंगे बचेगा Nb. अब आप देख सकते हैं Na plus Nb ऊपर है Na plus Nb नीचे है तो हम लिख सकते हैं Xa plus Xb equal 1 अर्थात सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हो सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है. यदि 3 कंपोनेंट हैं तो भी आंसर हमारा आएगा xa plus xb plus xc equal 1 सभी फ्रैक्शनल फ्रैक्शन जो होता है 1 का.